चारों तरफ बस धुंध ही धुंध। अब बात करते हैं प्रदूषण की। दिल्ली एनसीआर के बेहिसाब पॉल्यूशन का लोगों की जिंदगी पर काफी बुरा असर पड़ रहा है। जहरीला स्मॉग बच्चों की सेहत बिगाड़ रहा है। दिल्ली एनसीआर में हवा की गुणवत्ता गंभीर श्रेणी में जा चुकी है और इसका असर बच्चों पर भी नजर आ रहा है। सबसे बड़ी चिंता है कि कई बच्चों को जन्म के तुरंत बाद नेबुलाइजेशन की जरूरत पड़ रही है। प्रदूषण देखते हुए बच्चों की सेहत के मामले में सावधान रहना बेहद जरूरी है। दिल्ली में AQI आंकड़ा भर नहीं है। वैसे तो 500 के करीब का इंडेक्स बता रहा है कि राजधानी में हवा की गुणवत्ता गंभीर श्रेणी में यानी खतरनाक है, लेकिन सही मायनों में इसका असर समझना हो तो पास के किसी अस्पताल का रुख कीजिए, जहां कई बच्चों को नेबुलाइजेशन पर रखा जा रहा है, कई नवजातों को सुरक्षित रखने के लिए वेंटिलेटर पर रखा जा रहा है। यह असर उस बेहिसाब प्रदूषण का है जिसकी चपेट में इस वक्त दिल्ली NCR है। दिल्ली NCR में बढ़ता प्रदूषण बच्चों को प्रभावित करता है, ये बात आप जानते हैं, लेकिन आज आपको हम बता रहे हैं कि ये प्रदूषण किस तरह से नवजात बच्चों को भी बुरी तरह प्रभावित कर रहा है। हम नोएडा के एक प्राइवेट अस्पताल में मौजूद हैं, फेलिक्स हॉस्पिटल में, और यहाँ पर कई सारे आप ऐसे नवजात बच्चे देखेंगे जो कि नेबुलाइजेशन पर हैं, जिन्हें इस तरह से यहाँ पर रखा गया है क्योंकि इनको सांस लेने में दिक्कत हो रही है। वैसे तो प्रदूषण से सभी प्रभावित हैं, लेकिन बुजुर्गों, गर्भवती महिलाओं और खासकर बच्चों के लिए ये बेहद खतरनाक है, इसलिए जरूरी है कि इसे लेकर सावधानी वाला हॉर्न बजाया जाए। सबसे पहले आपको बताते हैं कि इस वक्त प्रदूषण नवजातों के लिए कितना बड़ा संकट बना हुआ है। डॉक्टर्स के मुताबिक प्रदूषण गर्भवती महिलाओं को ज्यादा प्रभावित करता है। माँ से होकर ये प्रदूषण बच्चे तक पहुँचता है। प्रदूषण की वजह से समय से पहले डिलीवरी के मामले बढ़ गए हैं और जन्म के तुरंत बाद बच्चों को नेबुलाइजेशन की जरूरत पड़ रही है। हमारी जो एयर क्वालिटी है इतनी पुअर हो गई है कि जो न्यू बॉर्न्स हैं उनमें भी रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम आ रही है, और ये प्रॉब्लम इनकी वजह से नहीं है, एक्चुअली जो मदर्स हैं वो एक्सपोज हो रही हैं एनवायरमेंट को, इस गंदी एयर को वो इनहेल करती हैं, और फिर क्या होता है कि प्रीटर्म डिलीवरीज होती हैं, मतलब जो हम बोलते हैं 9 मंथ से पहले डिलीवरी होना वो होती प्रीटर्म डिलीवरीज, और इन बेबीज का फिर बर्थ वेट भी जो होता है वो कम होता है। तो ऐसे कंडीशन में क्या होता है कि उनके ऑर्गन्स मैच्योर नहीं हो पाते, स्पेशली द लंग्स जो होते हैं वो मैच्योर नहीं होते हैं, तो इन बच्चों को सांस लेने में दिक्कत आती है लंग्स इमैच्योर होने की वजह से। हमें इनको नेबुलाइजेशन, इवन कुछ बच्चों को वेंटिलेटर की भी नीड पड़ रही है। नवजात या कुछ महीनों के बच्चों को प्रदूषण से समस्या तो आ ही रही है, लेकिन चुनौती सभी बच्चों के लिए है, खासकर जिन बच्चों को पहले से सांस की समस्या है या जो बीमार हैं, उनके लिए बेहिसाब प्रदूषण का सामना करना आसान नहीं। जो बच्चे एस्थमा के हैं या कोई और रेस्पिरेटरी उन्हें डिसऑर्डर है, जिन्हें कभी कभी नेबुलाइजेशन की नीड होती थी, या जो पफ लेते हैं, उन्हें ये प्रॉब्लम्स बढ़ती हुई दिख रही है। OPD में ये बच्चे आते हुए ज्यादा नजर आ रहे हैं, और हम लोग आजकल ज्यादा एडवाइस कर रहे हैं बच्चों को नेबुलाइजेशन। यह समझने वाली बात है कि जहरीली हवा बच्चों की रोग प्रतिरोधक क्षमता को प्रभावित कर सकती है। सर्दी, जुकाम, अस्थमा, निमोनिया, ब्रोंकाइटिस और दिल से जुड़ी बीमारियों का खतरा काफी बढ़ जाता है। हवा में मौजूद नाइट्रोजन और सल्फर जैसी जहरीली गैसें बच्चों के दिमाग तक पहुंचकर उनके मानसिक और बौद्धिक विकास को धीमा कर सकती है। इसलिए डॉक्टर्स का साफ कहना है कि जहां तक हो सके इस दौरान बच्चों को घर के अंदर रखना जरूरी है। आप अपना आउटडोर टाइम, घर के बाहर रहने का जो समय, उसको लिमिटेड करें, जितना मिनिमाइज हो सकता है आप उतना मिनिमाइज करें। अब बच्चे हैं वो स्कूल के लिए बाहर जाएंगे, अगर वो बाहर जा रहे हैं या अडल्ट जो हैं वो भी बाहर जा रहे हैं, तो उन्हें N95 मास्क जरूर वेयर करना चाहिए, जो कि आपको प्रोटेक्ट करता है फ्रॉम दिस
पुअर क्वालिटी ऑफ एयर से। देखिए कोई भी हो, चाहे वो प्रेग्नेंट लेडीज हो या फिर डायबिटिक पेशेंट होते हैं जिनके लिए वॉक बहुत इम्पोर्टेंट होता है, बच्चे होते हैं जो कि घर से बाहर जाने की जिद करते हैं, तो हमें अब ऐसा एटमॉस्फेयर क्रिएट करना है कि वो मैक्सिमम टाइम घर में रहें, घर में ही वॉक करें, योगा करना है, एक्सरसाइज करना है, जो भी है वो घर में रह के करें। जानलेवा प्रदूषण से बच्चों को बचाने के लिए जरूरी है कि घर के अंदर स्वच्छ वातावरण बनाया जाए। इसके लिए एयर प्यूरिफायर का इस्तेमाल किया जा सकता है। घर के अंदर मोमबत्तियां या धूप जलाने से बचें। जब हवा की गुणवत्ता अच्छी हो तो घर में सही वेंटिलेशन की व्यवस्था होनी चाहिए। वायु गुणवत्ता यानी AQI पर नजर रखें, और अगर वायु गुणवत्ता खराब हो तो बच्चों को घर से बाहर नहीं जाने दें। अगर बच्चे को बाहर भेजना हो तो उन्हें मास्क जरूर लगाएं। इसके साथ ही बच्चों को हेल्दी डाइट दें, खाने में भरपूर मात्रा में फल और सब्जियां शामिल करें। सबसे जरूरी है कि बच्चों का ब्रीदिंग एक्सरसाइज करना, योग करने से उन्हें बहुत फायदा हो सकता है। दिल्ली में सर्दियों की शुरुआत के साथ प्रदूषण की समस्या बढ़ जाती है, साल दर साल की यही तस्वीर है। इस पर कंट्रोल करने के लिए सरकारें जो कदम उठा रही हैं वो अपनी जगह अहम है, लेकिन अपने घर में बच्चों को इसके असर से दूर रखने के लिए जरूरी है कि हम सभी सावधानी बरतें। खबर अच्छी तो नहीं है, लेकिन सावधान आपको जरूर कर सकती है, क्योंकि बच्चे आपके भी घर में होंगे। सलाह यही दी जा रही है कि ज्यादा से ज्यादा टाइम अपने घर के अंदर ही बिताएं। कैमरामैन शैलेंद्र के साथ मनीष चौरसिया, नोएडा।